हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? चलिए तो स्टडी स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। आज अपना सेकंड क्लास का चैप्टर 5, कौन सा टॉपिक करेंगे हम? एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है? एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टार्ट करें। चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या करेंगे हम? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड में देखिए, एक्सपेंड मतलब किसी भी चीज का फैलना, ठीक है? यानी कि वो चीज हमने एक आप वो ग्लास में पानी ले लेते हो, ठीक है? तो वो ग्लास में है, ठीक है? तब तक वो छोटे से ग्लास में पानी है, लेकिन आप इसको नीचे डालोगे तो क्या होगा? बिखर जाएगा। कोई भी जूस है, ठीक है, आप नीचे डालोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड, यानी कि वो फैल जाता है नीचे पूरे फर्श में, ठीक है? तो ये क्या होता है कि एक चीज, हमने एक नंबर है उसको हमने छोटा सा करके लिखा हुआ था, और फिर हम हमें क्या करना है, उसको एक्सपेंड कर देना, बड़ा कर देना, ठीक है? तो करें। चलिए तो मैं आपके लिए एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है? क्या है ये नंबर? 325। क्या है इसमें? ये कौन सा प्लेस है? बर्न्स, ये टैंस, और ये कौन सा प्लेस है? 100 प्लेस है। वंस, टेंस, 100। सो ये हमारा नंबर क्या बना? 325। आप देखिए, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कई टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। आज हम 2 टाइप से करेंगे, ओके? चलिए तो हम इसको जब लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है? 3। 3 कौन से प्लेस पर है? 100 प्लेस पर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3 कौन से प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, ठीक है? हो गया, 3 कौन से प्लेस पर हो गया? 100 प्लेस पर। चलिए उसके बाद क्या है? 2। 2 कौन से प्लेस पर है? टी फॉर टेंस। 2 कौन से प्लेस पर है? टेंस पर। तो हम यहाँ राइट कर देंगे 2, और 2 कौन से प्लेस पर है बेटा? टेंस प्लेस पर, ठीक है? उसके बाद देखिए आप क्या है? 5। और 5 कौन से प्लेस पर है? वंस प्लेस पर। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5 वंस, ठीक है? 300 पर है तो 300 प्लेस पर है, तो 300। 2 टेंस प्लेस पर है तो 2 टेंस, एंड 5 वंस प्लेस पर है तो 5 वंस, ओके? एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? यहाँ क्या है ये 300, यहाँ आप ये 100 ना लिखकर इसको कैसे लिख सकते हैं? 300 कैसे लिख सकते हैं इसको? 300, ओके? नाउ प्लस, बीच में क्या लगाएंगे हम? प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे ना यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है? 2 टेंस। 2 कौन से प्लेस पर है? टेंस पर। तो यानी कि 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर करेंगे तो क्या बनेगा? 2 टेंस ऑफ 20। 2 टेंस है, कल भी हमने सीखी थी ना ये चीजें कि 2 टेंस पर है तो क्या हो जाएगा? 20। और 5 वंस पर है तो 5 क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, ठीक है? तो यानी कि नंबर था 325, उसको जब हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो उसको हम ये 2 टाइप से कर सकते हैं। इट्स क्लियर? क्या? 300, 2 टेंस, 5 वंस, ठीक है? और फिर 300 प्लस 20 प्लस 5, ओके? चलिए एक और नंबर करके देखते हैं। मैं आपको यह नंबर लिखूं 740। क्या लिखा हमने? 740। यहाँ 0 कौन से प्लेस पर है? वंस पर, 4 टेंस पर, और 7 किस पर है? 100 पर। 7 कौन से प्लेस पर बेटा? 100 पर। अब हम इसकी जब एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो वही 700 पर है, तो 700, ठीक है? 4 किस पर है? टेंस पर, तो 4 टेंस। उसके बाद 0 किस पर है? वंस पर, तो 0 किस पर आ जाएगा? वंस। अब यहां 0 जो वंस पर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो 2 0 पर भी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं। जब 0 हम 0 को
तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। यानी कि यहाँ जब हमने ये लिखा इतना तो भी हमारा आंसर सही है, और अगर आप इसको राइट नहीं करते हैं ठीक है तो भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो जीरो को चाहे हम राइट करें या ना करें, ठीक है, दोनों ही टाइप से हमारा आंसर क्या रहता है, सही है। ठीक है, अब इसकी सेकेंड टाइप से हम लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म करें, तो 700, सो 700 ठीक है, प्लस आप एन के बीच में प्लस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। अगर आप प्लस लगाओगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी आपका आंसर सही ही है। ठीक है, तो ये क्या है 700 लिख दिया हमने, उसके बाद क्या है 4 times, तो 4 times है तो क्या आएगा 40। देन फिर वही बात आ जाती है हमारे पास जीरो के लिए, कि हम यहाँ जीरो को राइट करें तो भी हमारा आंसर सही है, और हम जीरो को राइट ना करें तो भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ओके, इट्स क्लियर। तो ये तो हुई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, आप सबको समझ में आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे हम। पहले अपने प्लेस, जब आपको प्लेसेस पता होगा बेटा कि ये वर्क प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कभी मिस्टेक करोगे नहीं, क्योंकि जब हमें पता है क्या है 300, तो 300 हम चाहे ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे। 2 हमें पता है टेंस पर है, तो 2 times, और 2 times पर होता है तो क्या होता है 220 होता है। ठीक है, 5 months और 5 months पे है तो 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्लेसेस पता होना चाहिए। एक नंबर हमारे पास है तो उसमें 5 कौन से प्लेस पर है, 2 कौन से प्लेस पर है, और 3 कौन से प्लेस पर है। अगर आपको ये प्लेसेस अच्छे से लर्न होंगे तो आप इनमें कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, अब हम करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म करेंगे अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होगा, सेम इसका उल्टा, क्या हो जाएगा बेटा इसी का उल्टा, यानी कि आपको एक नंबर एक्सपेंड करने दिया हुआ होगा और आपको उसको क्या करना है, उसको उसकी शॉर्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी करवाया था 300 + 40 + 6, क्या करते हैं हमें यहाँ 300 + 40 + 6, या आपको ये ऐसे राइट मिल सकता है 300 ठीक है प्लस 4 times प्लस 6 months, ठीक है 6 months, आपको ये इस टाइप से भी लिख के मिल सकता है, या इस टाइप से भी लिखा और राइट किया हो सकता है, इस टाइप से भी राइट किया हो सकता है, लेकिन आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम करेंगे तो दोनों का जो आंसर है बेटा वो सेम ही आएगा। ठीक है, इसका भी और इसका भी क्या आंसर होगा, हम सबसे पहले अपने प्लेसेस लिख लेंगे यहाँ पर 100 times 1, क्या क्या 1, 10 और 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 प्लेस पर क्या है 3, तो हम 3 राइट कर देंगे, 10 प्लेस पर क्या है 4, सो हम 4 राइट कर देंगे, और 1 प्लेस पर क्या है 6, तो हम 6 राइट। ठीक है, तो क्या बना, क्या बन गई इसी नंबर की, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ था और इसी नंबर की क्या हो गई बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्या हो गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा, अगर आपको एक नंबर लिखा हुआ मिला है 800 + 4, ठीक है, क्या आपको हमारे पास 800 + 4, या इसको लिख दे वो 800 + 4 months, क्या वो 800 + 4 months, ठीक है, तो इन दोनों का आंसर भी क्या होगी सेम ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 10th place missing है और यहाँ भी 10th place missing है। ठीक है, तो उन्होंने जीरो को राइट करके नहीं दिया आपको, लेकिन जब भी कोई प्लेस मिसिंग होगा, जब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगी और जहां जो प्लेस मिसिंग होगा हमें खुद से समझ जाना है कि वहां क्या है जीरो है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म करवाई तभी बताया कि जीरो को हम लिखें या ना लिखें हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ टेंथ प्लेस नहीं है, तो मतलब टेंथ प्लेस पर क्या होगा हमारे पास जीरो, क्या मिलेगा जीरो। अब यहाँ वंस प्लेस पर क्या है 4, तो हम 4 राइट कर
कर देंगे। 100 प्रेस पर क्या है, 8 राइट कर देंगे। 10 प्रेस पर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या राइट कर देंगे यहाँ, 0। क्या राइट कर देंगे बेटा, 0। तो समझ में आया सबको, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये एक नंबर है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इस नंबर ये नंबर किसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये फॉर्म तो कौन सी है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से आएंगे, कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाएगी आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, या आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाएगा उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, क्लियर, समझ में आया सबको। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी नोटबुक में राइट करनी है, अपने आप अपने खुद से नंबर बनाना, कोई नंबर लिखना, फिर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, किसी नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, ठीक है। तो ये आपको राइट करने है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, और फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं।